उत्तराखंड फुल कॉन्टेक्ट कराटे एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर की कराटे प्रतियोगिता के लिए 10 खिलाड़ियों का चयन किया है। यह टीम उत्तराखंड राज्य का नेतृत्व करेगी। एसोसिएशन के सचिव महेंद्र सिंह भाकुनी ने बताया कि कानपुर के जयपुरिया इंटरनेशनल स्कूल में क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन ऑफ इंडिया 31वीं राष्ट्रीय फुल कॉन्टेक्ट कराटे प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसमें देश के कई राज्यों से कराटे खिलाड़ी और प्रशिक्षक प्रतिभाग करेंगे। इस आयोजन में मुख्य रूप से रेसलिंग की दुनिया में महाबली के नाम से विख्यात खली भी बतौर अतिथि मौजूद रहेंगे। इस दौरान चयनित सदस्यों के लिए नगर निगम पार्क में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पार्षद नरेंद्र सिंह रोडू और पूर्व प्रधान बंशी सिंह बिस्ट ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। आज जो हमारे उत्तराखंड से जो बच्चे सेलेक्ट होके 31वीं ऑल इंडिया फुल कॉन्टेक्ट कराटे चैंपियनशिप के लिए बच्चे जा रहे हैं, उनका सम्मान समारोह था, उनको बच्चों को किट वितरण का कार्यक्रम रखा था। कितने बच्चे सेलेक्ट हुए यहाँ से? सर, उत्तराखंड से अभी हल्द्वानी हमारे सिटी से 18 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। सर, इसमें एज और वेट ग्रुप रहता है, जैसे 12 से 14 हो गया, 14 से 16 हो गया, इस हिसाब से, और बाकी वेट ग्रुप होता है 10-10 kg का, इसमें डिफरेंस होता है। जयपुरिया इंटरनेशनल स्कूल कानपुर उत्तर प्रदेश में क्योकुशिन कराटे फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा 31वीं राष्ट्रीय फुल कॉन्टेक्ट कराटे की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड फुल कॉन्टेक्ट कराटे एसोसिएशन के जो योग्य कराटे खिलाड़ी हैं उनका यहाँ पर चयन हुआ है और उनके सम्मान के लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे साथ जो आमंत्रित सदस्य हैं पूर्व ग्राम सभापति तल्ली हल्द्वानी बंसी सिंह बिस्ट जी एंड पार्षद नरेंद्र सिंह रोडू जी। देखिए, कराटे वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मारामारी का गेम है, लेकिन बट नहीं, ये है बॉडी फिटनेस, उसके बाद सेल्फ डिफेंस, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कुछ चीज़ सीखेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो मार्शल आर्ट हो। अगर आपके पास अच्छी चीज़ें सीखे हैं तो समाज में जब आप खड़े होंगे तो पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े होंगे। तो कराटे एक उसका एक पार्ट है।